नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। चुनावी समर में कूदने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी प्लानिंग कर ली। राजद भी पूरी तरीके से तैयार है। पूरी तैयारियां राजद की तरफ से भी की जा चुकी हैं। यहां तक कि वर्चुअल रैली कैसे होगी, किस तरीके से जनता के बीच उतरा जाएगा, कैसे जनता को संबोधित किया जाएगा, आगे का रोड मैप क्या बताया जाएगा, किन मुद्दों पर राजद चुनाव लड़ेगा, तमाम तरह की जो क्वेश्चंस है उसको हल कर लिया गया है और जनता तक पैठ बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसी बीच अंदरखाने से खबर आ रही है कि अब हर रोज तेजस्वी यादव 10 सभाओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी के साथ एक जबरदस्त प्लान बनाया है। वो प्लान क्या है आपको समझाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में बैठकर कोई भी नेता एक साथ 10,000 लोगों को संबोधित कर सकता है। एक घंटे की एक सभा होगी, दूसरे घंटे से दूसरे इलाके के लोग इस सभा से जुड़ सकते हैं। यानी अगर चुनाव आयोग ने आम सभाओं की अनुमति नहीं दी तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रोज 10 सभाएं कर 1,00,000 लोगों को पटना से ही संबोधित कर सकते हैं। राजद ने अपने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली। अब वर्चुअल सभाओं की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। एक सप्ताह के भीतर ही पार्टी कार्यालय के पिछले हिस्से में यह व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर वॉर रूम लोकसभा चुनाव के समय से ही काम कर रहा है। वहां से नेता प्रतिपक्ष रोज किसी ना किसी इलाके के लोगों से वर्चुअल संवाद करते हैं, लेकिन इस संवाद में जुड़ने वालों की संख्या बहुत ही कम होती है। लिहाजा हर तर्ज पर बड़ी सभाओं की व्यवस्था पार्टी कार्यालय में की जा रही है। अधिसूचना जारी नहीं होने से मतदान की तारीखों की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन चुनावी नगाड़ा राज्य में बज चुका है। जमीनी कार्यक्रम और जनसंपर्क के लिए राजद भी दूसरी पार्टियों की तरह चुनाव आयोग की ओर देख रहा है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़ने का प्रयास भी पहले से ही चल रहा है। पार्टी ने बूथ स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए। बड़े बूथों के ग्रुप में 35 और छोटे बूथों के ग्रुप में 13 से 20 लोग जुड़े। एक मैसेज 10 सर्कुलर रोड से निकलता है और जिलों के माध्यम से होते हुए बूथ लेवल तक पहुंच जाता है। ऐसे भी राजद ने सबसे अधिक बूथ लेवल एजेंट बनाए हैं, ये चुनाव आयोग ही स्वीकार कर चुका। पार्टी ने एजेंसी से सर्वे भी करा लिया दूसरी राजनीतिक दलों की रणनीति का पता लगाने के लिए। उसने अलग से एजेंसी तक हायर कर ली और उनकी काट के लिए रणनीति बनाने को अलग से एजेंसी ने संभावित उम्मीदवार का सर्वे भी पार्टी को सौंप दिया। तो आरजेडी ने ऐसी दमदार प्लानिंग बनाई कि एक मैसेज राबड़ी आवास से निकलता है तो वो मैसेज तमाम तरह के स्टेप से गुजरते हुए सीधे निचले स्टेप पर पहुंचता है, यानी कि जहां पर उस मैसेज को पहुंचना चाहिए वो तुरंत ही मैसेज पहुंच जाता है। और तैयारी इतनी भी है कि अब हर रोज तेजस्वी यादव 10 सभाओं को संबोधित करेंगे। भले ही राजद ने चुनाव आयोग से ये अपील की थी कि चुनाव प्रचार डिजिटल नहीं होने चाहिए क्योंकि आरजेडी के पास उतने पैसे नहीं है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से तलखी बढ़ाई और राजद ने यह साफ तौर पर देखा कि चुनाव तो समय पर ही होने हैं, ऐसे में आरजेडी ने पूरी तैयारी कर ली और अब चुनावी रैली को लेकर आरजेडी ने जबरदस्त प्लान बना लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।